उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स ने उमेश पाल हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई की है। यूपी एसटीएफ ने माफिया अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। विजय मिश्रा की गिरफ्तारी लखनऊ से हुई, उस पर उमेश पाल हत्याकांड में साजिश रचने का आरोप है। विजय मिश्रा पर उमेश पाल की लोकेशन शूटर्स के साथ शेयर करने का भी आरोप है। साथ ही बरेली जेल में बंद रहने के दौरान अतीक अहमद के भाई दानिश अजीम उर्फ अशरफ से लगातार संपर्क में रहने की बात भी कही जा रही है। विजय मिश्रा की गिरफ्तारी को लेकर बड़ी सूचना सामने आई है। सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि राजधानी लखनऊ के हयात होटल में विजय मिश्रा किसी महिला के साथ रुका हुआ था। अब हयात होटल में रुकने वाली ये महिला कौन थी, इस संबंध में जानकारियां जुटाई जा रही हैं। पुलिस की जांच लगातार चल रही है। सूत्रों का दावा है कि महिला का माफिया अतीक के साथ सीधा संबंध है, हालांकि अभी तक उसकी पहचान सामने नहीं आई है। विजय मिश्रा को लेकर ये भी दावा किया जा रहा है कि अतीक और अशरफ की हत्या की रात यानी कि 15 अप्रैल को वो कॉलविन अस्पताल के बाहर मौजूद था। वकील विजय मिश्रा पर प्रयागराज में प्लाई व्यापारी से रंगदारी मामले का केस दर्ज है। इस मामले में उस पर शिकंजा कसा है। इसके अलावा उसके अतीक परिवार से भी करीबी संबंध होने की बात कही जा रही है। उमेश पाल मर्डर केस में अभी तक अतीक अहमद की पत्नी और 50,000 की इनामी शाइस्ता परवीन की तलाश जारी है। उसे पकड़ पाने में पुलिस कामयाब नहीं हुई है। विजय मिश्रा को हिरासत में लिए जाने के बाद इसकी जानकारी UPSTF वकील विजय मिश्रा से मांग सकती है। शाइस्ता के अलावा अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा पर भी केस दर्ज है। पिछले दिनों वकील विजय मिश्रा ने अतीक के नाबालिग बेटों की कस्टडी अतीक के बड़े बहनोई को देने की वकालत की थी। उमेश पाल हत्याकांड में साजिश रचने के आरोपी दोनों नाबालिग बेटों को पुलिस ने रिमांड होम में रखा है। प्रयागराज के कॉल्विन अस्पताल परिसर में 15 अप्रैल की रात करीब 10:35 पर तीन हमलावरों ने अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तीनों हमलावर मीडियाकर्मी के वेश में अस्पताल पहुंचे थे। आपको बता दें कि वकील विजय मिश्रा पर अतीक अहमद के नाम पर रंगदारी मांगने के मामले में भी FIR दर्ज है। NBT ऑनलाइन के लिए प्रयागराज से शिव पूजन सिंह की रिपोर्ट।